फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आजकल ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ डहरी टुसु पर्व में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पूरी जनसभा उभर चुकी है और मेरी तरह हजारों लोग यहाँ आए हैं अपनी पहचान अपनी संस्कृति को बचाए। पूरे लोग एक साथ है, कैसा लग रहा है?
यह बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी भी जागरूकता बचा हुआ है कि अपना संस्कृति और परंपरा को बचाए रखें। भीड़ देख के आप लोग अनुमान लगा ही पाए होंगे कि अभी भी हमारे जो झारखंड की जो संस्कृति है वो बिल्कुल बरकरार है। और मैं यही युवाओं से यही विनती करना चाहूंगा कि आगे भी ऐसा ही आप लोग संस्कृति और अपना परंपरा को बचाए रखें। और इसी तरह से अपना टुसू पर्व जो होता है हम लोग का जो झारखंड का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, तो इसको इसी तरह से बरकरार रखें। झारखंड जमशेदपुर में ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतना भीड़, और ये डहर टुसू पर्व एक ऐसा है कि डहर जो भाषा होता है हम लोग बंगला में बोलते थे कि अरे गोरू लेकर डोहराएंगे, तो वही डहर टुसू पर्व वही चीज है कि पैदल हम लोग जो रैली बोलते हैं आप लोग वही चीज है। बस टुसू हम लोग नाच गान और चौड़ल के साथ इस पर्व का एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट, सभी को धन्यवाद। और ऐसे ही हर साल किया जाएगा, पहली बार है आखिरी नहीं है, लेकिन हर बार ऐसे ही होगा और बहुत ही जबरदस्त होगा, इससे भी और जबरदस्त होने वाला है। ये स्टार्टिंग है, ये हम लोग दिखा रहे हैं कि हमारा संस्कृति हमारा परंपरा भी कुछ है, हम लोग पहले भी कुछ कर चुके हैं। और ये जो भीड़ है इसका परिचय देते हुए कि ये भीड़ की हम लोग कम, हम भी किसी से कम नहीं। कहीं भी जाइए, आप कितने भी अमीर बन जाइए, कितने भी पढ़े लिखे बन जाइए, लेकिन आपके साथ रहेगी आपकी संस्कृति, आपकी माटी, आपकी भाषा, तो यही आपके अस्तित्व है, यही आपकी पहचान है। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज अपने संस्कृति को ना भूलें, अपनी संस्कृति को पहचानें और इसे जिंदा रखें।